भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं हनुमान जी का वायुसूत हनुमान, उनका रक्षा मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं। इस रक्षा मंत्र की यह खासियत है कि आपको ये एक दिन में सिद्ध हो जाता है, क्योंकि साबर है तो साबर तो ऐसे भी सिद्ध होता है, लेकिन उसको भी परफेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस मंत्र को आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। और इसको सिद्ध करने के बाद कहीं भी आपको लगे कि प्रेत बाधा हो रहा है, ठीक है, कहीं भी आपको लगे कि कोई काला जादू का असर आपको हो रहा है, कहीं आपको लगे कि किसी कार्य में विघ्न आ रहा हो, कहीं लगे कि साधना में बैठे हैं और आलस्य आ रहा है, निंद्रा आ रही है, या आसपास ऐसा लगे कि कुछ आत्माएं भटक रही हैं, कुछ भयभीत कर रहा हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, कोई कहीं घर में घुस रहे हैं, श्मशान से लौटे घर में घुस रहे हैं, कभी भी किसी भी क्षण आप इस मंत्र को पढ़ के 3 बार चुटकी बजाएंगे तो आसपास जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, नेगेटिव ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो ऊर्जा जो अनवांटेड है, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो है वो विलुप्त हो जाएगी। महादेव के जो अंश हैं हनुमान जी, ये उग्र और योद्धा भाव के अवतार हैं। जैसे भैरव जी योद्धा भाव के अवतार हैं, वैसे ही हनुमान जी योद्धा भाव के अवतार हैं। तो कहीं अगर मसानी शक्ति का भी प्रयोग होता है तो इस मंत्र के हवन से वो मसानी शक्ति चली जाती है। देखो, किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो सबसे अच्छा समय क्या होता है, चाहे तो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, अगर ग्रहण हो सूर्य या चंद्र ग्रहण तो उससे तो उत्तम कुछ होता ही नहीं है। दीपावली के पूर्व संध्या, मतलब एक रात पहले, जिसको चौदस कहते हैं, वो तिथि के हिसाब से देखना होता है, और होली के एक रात पहले, जिस दिन होलिका दहन होती है, ऐसे किसी भी एक दिन आप रात्रि के समय 12 से 1 बजे रात में किसी हनुमान मंदिर पर जाएं, ठीक है, और जो भकरा सिंदूर होता है जो हनुमान जी को लगता है वो सिंदूर, और उसमें सरसों तेल मिला करके ले जाएं, ठीक है, पहले हनुमान जी के चरणों में उस मिश्रण को अच्छे से लगाएं, उसके बाद सरसों तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाएं और 3 अगरबत्ती या 3 धूप जो भी आपके पास है वो जलाएं, ठीक है, लाल लंगोट हनुमान जी के लिए बनवा के ले जाएं और उनको वहाँ पर अर्पित करें। इसके अलावा लड्डू का भोग पड़ता है, जैसे गणपति को लड्डू का भोग पड़ता है वैसे ही हनुमान जी को लड्डू का भोग पड़ता है। इतना करने के बाद आप लोग रुद्राक्ष की माला लेंगे और हनुमान जी के सामने उनके नज़र से नज़र मिला करके ये मंत्र बोलेंगे सिर्फ 108 बार, ठीक है, 108 बार में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो गुरु जी, चुटकी दाए चुटकी बाए, चुटकी रक्षा करे हर थाए, बजर का कोटा अजर कबाड़, चुटकी बांधे दसो द्वार, जो कोई घाले मुझ पे घाल, उल्टत देव वहीं पर जाए, हनुमान जी की चुटकी बजाए, रामचंद्र पछताए, सीता माता भोग बनाए, हनुमान मुस्काए, माता अंजनी की आन, चुटकी रक्षा करो तमाम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। उसके बाद 3 बार चुटकी बजानी है। ऐसा करने से जो भी आपके आसपास शक्तियां हैं जो कि अनवांटेड है वो आपके तरफ से चली जाएंगी। अगर आपको लगे कि विघ्न ज़्यादा हो रहा है तो इसको चारों दिशाओं में, ठीक है, और उसके बाद एक आसमान और एक ज़मीन के तरफ चुटकी बजानी होती है।
इतना मात्र करने से आपके आसपास जैसा भी विघ्न होगा वो दूर हो जाएगा। एक बार फिर से मंत्र बता दे रहा हूँ, ओम नमो गुरु जी, चुटकी दाएं चुटकी बाएं, चुटकी रक्षा करे हर थाएं, बजर का कोठा अजर कबाड़, चुटकी बांधे दसों द्वार, जो कोई घाले मुझ पे घाल, उल्टत देव वही पर जाए। हनुमान जी की चुटकी बजाए रामचंद्र पछताए, सीता माता भोग बनाए हनुमान मुस्काए, माता अंजनी की आन, चुटकी रक्षा करो तमाम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, ऐसा बोल के चुटकी बजा लेना। देखो ऐसे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कहीं आप नए जगह पर जा रहे हो, किसी अनजान वृक्ष के अंदर अगर आप किसी तरीके का क्रिया कर रहे हो, किसी अनजान वृक्ष के नीचे बैठ रहे हो, या कोई ऐसे स्थान पर बैठ रहे हो जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं हो, ऐसे किसी भी स्थान पर बैठने से पहले 3 बार चुटकी बजाई जाती है। क्यों चुटकी बजाई जाती है? क्योंकि आप बहुत सारी शक्तियों को देख नहीं सकते हैं, बहुत सारे जीवों को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा जगह है जिसको ये जीव, ये आत्माएं, ये शक्तियां अपनी मानती हैं। तो जब आप उस स्थान पर बैठ जाते हो तो जाने अनजाने आप उनके स्थान पर घुस जाते हो, और वैसे में क्या होता है कि उनको लगता है कि आपने उनके स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस स्थिति में ऐसी शक्तियां जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, और वो आपसे चाहे तो अटैचमेंट वो कर लेंगी, उसके बाद आपका जो भी कार्य है वो नहीं बनेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको नुकसान नुकसान देके जाएगी। इसीलिए किसी भी अनजान स्थान पर बैठने से पहले अगर मंत्र ना भी हो तो भी 3 बार चुटकी बजा के बैठनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मंत्र है तो फिर इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना से जुड़ी जितनी भी विषय हैं जो आपको गुरु मंत्र से पहले जानना चाहिए, जैसे आसन बंधन दिशा बंधन, भैरव जी का जो शुरुआती मंत्र है, ये सारी चीज़ें, किस क्रम में साधना, किस क्रम में पूजा पाठ होनी चाहिए, ये बताते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.com या www.aghortantrahasya.xyz पर आप जा सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ XCM4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश आराध्य आदेश, आदेश।